ये देखो जी, बिल्कुल पतली गर्दन की, ये देखिए चेहरा देख लो कितना प्यारा है भाई, गर्दन देखो कितनी लंबी है, और अदर क्वालिटी, अदर क्वालिटी भाई इस फार्म की कहने की ही बात नहीं हूँ, मान के चलो एक से बढ़कर एक पशुधन दिए हैं कोई डेयरी फार्म ने, सेल परचेज में भी और भाई ब्रीडिंग वैल्यू में भी। ये देखिए अदर क्वालिटी देख लो भाई, नशे भी है, थोड़ा सा बाबादी जो होना चाहिए, प्रकृति की देन है वो होना भी चाहिए भाई, खर की चोटियाँ का थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाओ है। बाकी ये देखो अदर क्वालिटी मैं पीछे से दिखा दूँ आपको, और ये देखिए भाई भारी भरकम अदर क्वालिटी है, और जो टिक मार्क होते हैं चाहे रमेश धानसू चाहे अंकुर फ्रांस वाला, सारे ने बोले भाई टिक मार्क हैं तो दुधारू पशु मिलेगा। तो जी राम राम सारे भैया ने नमस्कार, और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सारे भैया का स्वागत है। तो जो भाई पहली बार चैनल पे, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाइयों। आज बहुत ही अच्छी चोटियाँ सेल के लिए उपलब्ध हैं, तीन चोटियाँ बिकाऊ हैं जी एक जगह पर, तीनों ही बढ़िया ब्रीडिंग वैल्यू की चोटी हैं, साथ की साथ दुधारू भी अच्छी है, ब्यूटी भी अच्छी है भाई। जो भाइयों का हमने ब्रीड पर काम करना उनका तरह अच्छी चोटी है, साथ की साथ जो भाइयों का हमने एक बार चोटी मिल जावे, चार पाँच साल हमारे वह बुढ़ी नहीं हुआ है, बढ़िया दिन आ रही जावे, ऐसी चोटियाँ आज बिक्री के लिए उपलब्ध है जी। बहुत अच्छी अच्छी चोटियाँ हैं, तैयार दूध की 20 किलो से ऊपर की भी चोटियाँ सेल के लिए, और बिल्कुल ताज़ा भाई जो यूं का आराम ना तो खीस वाली चाहिए उन खातर भी चोटी सेल के लिए उपलब्ध है। दो दो दांत है, दो खर की है, और एक जो चोटी है उसकी भी आगे वीडियो में आप डिटेल देवेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जी। तो जी जो एक नंबर पर आप चोटी देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको चोटी दिखा दूँ, बिल्कुल ताज़ा ब्याई है जी, कुछ चंद घंटों की ब्याई हुई है, काविंग की हुए बहुत कम समय हुआ है, और बिल्कुल ये देखिए खर की चोटी है जी, मुंह से कितने दांत है वो भी पूछेंगे, लेकिन अडर की नसें देखो भाई जबरदस्त हैं, बहुत अच्छे थन निकाल रखे हैं। सारी बातचीत करांगे, और सबसे पहले मिलेंगे यहाँ के मालिक से। सर जी नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई, कैसे हो जी? बढ़िया भाई दीपक। तो एक बार तो अपना नाम बता दो, एड्रेस बता दो जी। दीपक भाई स्वागत आपका पहले तो डेयरी फार्म पे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों को भाई राम राम नमस्कार। राम राम जी नमस्कार। और साथियों मैं बताना चाहूंगा गोए डेयरी फार्म बहुत पुराना फार्म है जी, मेरे ख्याल से आपके पिताजी भी करते थे, सेल परचेज का जो काम है कभी पंजाब से पहले तो, आजकल तो यूट्यूब हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा सेल परचेज का काम होता था हमारे आसपास गोए डेयरी फार्म पर होता था। तो सर एक बार अपना नंबर दे दो जी सबसे पहले भाई। 9813-17380। ठीक है, ये अपना मोबाइल नंबर है जो 24 घंटे अवेलेबल है। बिल्कुल 24 घंटे तो नहीं, हाँ सुबह था, सुबह 8 से लेके शाम को 8 बजे तक, शाम तक 8 बजे तक यही भाई फोन करने का टाइम होता है, कई भाई 10-10 बजे कर ले, रात 11 बजे कर दे, 12 बजे कर दे भाई, उसमें सही बात नहीं हो, उसमें गलत हो जावे। तो जी आज कितनी चोटियां सेल के लिए उपलब्ध है? दो खर की चोटी है पहलन, ठीक है फर्स्ट टाइमर, ठीक है, और एक चौथे की हो सकती है, तीसरे की हो सकती है, पांचवे की हो सकती है, लेके आए भाई झूठ नहीं बोलेंगे, वो इन पे कमेंट वाला पे डिपेंड कर दिया। हाँ वो जो पसंद कोई भाई चौथे मानने चौथे, पांचवे मानने पांचवे मान लियो भाई, छठा मानने छठा मान लियो, कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि तो जिसने पैसे लगाने हैं वो भाई अपने हिसाब से लेगा पशु, ठीक है। तो जो डिटेल रही वो सारी ईमानदारी के स्वरूप से रही, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, बहुत साल हो लिया आपने व्यापार करते, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, और रेट भी भाई आज का जो रीजनेबल है मार्केट के हिसाब से वही बताइए, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से जो रेट बताऊंगा बिल्कुल जायज, ठीक है, किसी भाई को जायज लगे तो ले लेगा भाई, ना नाजायज लगे तो कोई खास बात नहीं, चलो कोई खास बात नहीं, ठीक बात है। तो जी सबसे पहले एक नंबर पर चोटी जो देख रहे हैं यहाँ पे, सर जी एक बार उम्र बताओ जी इसकी। दो दांत भाई ये, अच्छा दो दांत है, ये देखो जी दो दांत, मुंह से मुंह दांत भी दिखा दो, दांत दिखा देंगे भाई, आइए रोल, बाकी ये गारंटी वाली बात है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी गारंटी हम छोड़ देंगे। दो दांत चोटी है, दिखावांगे मेरे भाई, चेक करवाएं जी, कोशिश, चलो फिर दो दांत दिखा दो, ये देखो जी थोड़ी सी गाल नीचे करा दो, ये देख लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो मैं भी गारंटी ले लूंगा भाई। दो दांत चोटी ये देखिए बहुत ही अच्छी चारू है, और कितने घंटे हो गए जी ब्याई को इसको? चार घंटे हो गए, चार घंटे, आज तारीख कितनी होगी? चार तारीख होगी, और चार ही घंटे ब्याई को हो गए। दूध वगैरह कुछ पिला बच्चे को? बच्चे को दूध पिला दिया भाई, एक किलो एक डेढ़ किलो निकाल लिया। अच्छा एक डेढ़ किलो निकाल लिया, नीचे क्या आया है? नीचे कटड़ा है भाई, नीचे कटड़ा है। चलिए सारी डिटेल लेंगे, सबसे पहले चोटी दिखा दूं, फेस इधर करवा दो जी थोड़ा सा, ये देखो भाई ये देख सकते हैं, हाँ चार ही घंटे हुए हैं, ये देखो खुरपी पके नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल छोटे सिंह की, ये देखिए गर्दन थोड़ी सीधी करवा दो, चला के दिखा दो, और चला के दिखा दो एक बार, फिर सारी डिटेल लेवांगे। ये देखो जी बिल्कुल सीधी गर्दन की, पतली गर्दन की, ये देखिए चेहरा देख लो कितना प्यारा है भाई, गर्दन देखो कितनी लंबी है, और अदर क्वालिटी, अदर क्वालिटी भाई इस फार्म की कहने की ही बात नहीं हूँ, मान के चलो एक से बढ़कर एक पशुधन दिए हैं कोई डेयरी फार्म ने, सेल परचेज में भी और भाई ब्रीडिंग वैल्यू में भी। ये देखिए अदर क्वालिटी देख लो भाई, नशे भी है, थोड़ा सा बाबादी जो होना चाहिए, प्रकृति की देन है वो होना भी चाहिए भाई, खर की चोटियाँ का थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाओ है। बाकी ये देखो अदर क्वालिटी मैं पीछे से दिखा दूँ आपको,
और ये देखिए भाई भारी भरकम अटर क्वालिटी है, और जो टिक मार्क होते हैं चाहे रमेश धानसू चाहे अंकुर फ्रांस वाला, सारे ने बोले भाई टिक मार्क हैं तो दुधारू पशु मिलेगा। और आगे से भी मैं दिखा दूं भाई आप लोगों को, ये देखिए आगे से भी काफ़ी अच्छे थन वगैरह, ये देखिए बहुत अच्छे गैप में हैं, बहुत अच्छी नसें हैं। हाइट एक बार साथ में खड़ी होइए जी, उधर चले जाओ खुरली की तरफ, ये देखो आपकी हाइट कितनी है? 5-10 है भाई। अच्छा 5-10 है भाई, ये देख लो गर्दन ही गर्दन दिखा है, और ना कैमरा ना अपन नूकर रहे ना भाई, हरियाणा पता नहीं क्या मिल जाऊं है, बहुत बड़ी बड़ी मिल जाऊं भाई जी, यूं लोग कर दे दावा भाई ऊपर नहीं मिल सकती बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से दो दांत के हिसाब से पूरा साइज है, पूरा वजन है। हां पूरा साइज है, पूरा वजन है, पूरा वजन भी पूरा है, ठीक है। और भाई बढ़िया सेवा कर रखी है झोटी की, खूब माल खिला रखा भाई, ठीक है जी ठीक है। तो एक बार इसके बारे में बताओ, मदर रिकॉर्ड कितना क्या कुछ है बताओ एक भाई। इसकी माँ ने 22 किलो दूध दिया। अच्छा 22 किलो दूध दिया, हाँ ठीक है। और ये पीसी 575 की है, पीसी 575 की, हाँ। और ये बच्चा जो आया है ये भी HLDB का है। अच्छा ये भी HLDB प्रोजेन रेस्टेड बुल का है, ठीक है हाँ। तो भाई पीसी 574 काफी अच्छा बुल है, अच्छा पीसी 575 और 74 शायद एक ही करके आए थे, और बहुत बढ़िया बुल है भाई, दोनों ने रिजल्ट बहुत अच्छे दिए फील्ड में, और एक जोटी सामने आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी माँ का डंका भाई हमारे पूरे गांव में, मैं बताऊं आप लोगों ने सारे भाई ने, इसकी माँ अपने फिलहाल अपने गाँव में भी है, और बहुत अच्छी दूध वाली जोटी है भाई, जो ऑर्डर क्वालिटी उसकी है शायद ही कम पैसों की मिला है। तो जी आपने बताया 22 किलो दूध है इसकी माँ के, हाँ 22 किलो इसकी माँ ने दूध दिया है, ठीक है। रिकॉर्ड हुआ इसकी माँ का, रिकॉर्ड हुआ ठीक है जी। हाँ। इससे क्या उम्मीद रखते हो अभी भाई? उम्मीद तो उम्मीद पे ही सारी चीजें चल रही हैं। हाँ ये तो है जी, उम्मीद पे ही उम्मीद तो 16 किलो दूध दे दे तो बहुत है मेरे हिसाब से। अच्छा 16 किलो 16 किलो दूध दे दे तो प्लस दे तो और बेनिफिट है। हाँ तो और बढ़िया भाई, 16 किलो दो दांत दे दे तो बहुत है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात बताई। और परमात्मा ने बताया, और परमात्मा की मर्जी है भाई, ये देखो भाई बहुत ही अच्छी है, ये देखिए काफी मेल काफ है भाई, ये भी देखो HLDB का है, काफी बढ़िया कटड़ा है ये भी, ये देखिए। और अटर क्वालिटी अगर पीछे तो बात करा, ये देखिए ऊपर तक 700 तक, तो कितना खींच निकाल गया हुआ? 1.5 किलो निकाला भाई, 1.5 किलो, हाँ, एक बच्चे को पिलाया है, बच्चे ने पता नहीं आधा किलो पिया किलो पिया है, लेकिन है। पूरा छक गया था। पूंछ कितनी सफेद उठाई एक बार? पूंछ है भाई आधा इंच की होगी मुश्किल से, आधा आधा इंच ये भाई, ठीक है आधा इंच है मुश्किल से, इतनी ठीक है ठीक है ठीक है, आधा इंच है मुश्किल से। तो जोटी बहुत बढ़िया जी, साइज में खाने पीने में भी बढ़िया, बिल्कुल मस्त है भाई। तो भाई आप वहाँ बना के आए थे शामली, और भाई साहब ने कहा था भाई इतनी अच्छी अच्छी झोटियाँ तैयार करते ही उनका लाखों की मतलब अंदर पेट में जा ले हैं कई लाख रुपए जब जाके झोटी तैयार हुए हैं। तो अपना क्या मानना है जी, इसका रिजनेबल रेट कितना होगा? मार्केट 2.5 लाख रुपए की बिकेगी तो बेचूंगा। अच्छा नहीं तो अपने घर रख लूंगा। और मान सम्मान? मान सम्मान पूरा करेंगे भाई, मान सम्मान यूट्यूब वाला गए मतलब 40-50 हजार तोड़ दिया ना, 40-50 हजार भाई जो अपना यहाँ व्यवहार चलता है आएगा। हाँ। मान सम्मान है बस। अच्छा मान सम्मान। हाँ। है इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं मेरे भाई। ठीक है ठीक है। बहुत माल खा के पशु तैयार हो मेरे भाई। ठीक है बहुत माल खा के है ना। ठीक है यूं ऐसे तैयार होने पशु। देखो सेवा करनी पड़े आपने बहुत साल हो लिया। हाँ। हमने भी बहुत साल हो गए वीडियो बनाते, आपने के लगे हमें जो 2.5 लाख रुपए मांगा ही जोटी के, ठीक है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही भाई। ठीक है और जो भाइयों का देह इतने की कोनी या इतने की है उन खातर की वो आप अपनी समझ है, अपनी अपनी हाँ। समझ है। इसके ऊपर यू तो कोई RC तो मनी नहीं भाई इसकी। हाँ, को ना कोई स्कैनर है भाई। हाँ, जांच के भाई इसकी ये जांच हो जाए, लेकिन क्वालिटी जो है ये साइज है जी, आपने भाई कई ब्रीडरों के बना लिए वीडियो, उन्होंने ये बताया ये साइज है, जोटी की लंबाई है ऊंचाई है, उसके हिसाब से ब्रीड करेक्टर बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो हर चीज में बढ़िया जोटी, बढ़िया जबरदस्त भाई, बहुत अच्छी मेरे हिसाब से। मैंने शर्मा के वाजिब रेट मांगे बिल्कुल 2.5 लाख रुपए मान के चलना भाई। कमेंट वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो झोटियाँ तैयार होती हैं भाई मालिक का यूँ मान लो बहुत सारा धन खा जाओ हैं फिर जाके तैयार हुए हैं, 2.5 लाख रुपए इसकी कीमत है, बहुत अच्छी झोटी है। और आगे अगर दूध पे आई तो हम दूध की लाइव मिल्किंग भी करावांगे, अगर वैसे सेल होगी तो और अच्छी बात है जी। बहुत बढ़िया झोटी है, पतली चमड़ी की नसें आप यहां से भी जूम करके दिखाता हूं देख सकते हैं, बहुत प्यारी झोटी, खाने पीने में बढ़िया। वैसे भाई खा पी के इतनी तैयार हुई है दीपक। हाँ क्या बात है, सही जवाब दे दिया, खा पी के तैयार होता पशु बहुत। गोए डेयरी फार्म पे भाई बहुत खीरी कटड़ियां भी काविंग कर देती हैं, तो जी काफ को क्या कुछ दे रहे हो वो बताओ एक बार। भाई बच्चे का शुरू से ही है ना, शुरू से ध्यान रखते हैं, ठीक है। उसके 10 दिन पे डिवर्मिंग कर दी, ठीक है, दवाई दे दी, ठीक है। उसके बाद लीवर टोनिक है, ठीक है। साथ में काफ स्टार्टर, काफ ग्रोथ के लिए, ठीक है। भाई एक नया प्रोडक्ट आया है काफ गोल्ड के नाम से, काफ गोल्ड, हाँ काफ ग्रोथ के लिए, काफ ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। ये शुरू कर दिया है, ठीक है। तो एकदम तो पशु इतना तैयार, उसका शुरू से ही बेस बनाना पड़े मेरे भाई, बेस बनाना पड़े, बेस बनाना पड़े, बिल्कुल सही बात है। रिजल्ट कैसा लगा इसका आपको? रिजल्ट तो भाई अभी देखो शुरू कर रहा है। अच्छा शुरू किया अभी? शुरू कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है ना एक बात देखी जी, बच्चा है ना नाचक कूदा पूरा है। अच्छा नाचक कूदा पूरा मतलब उसके अंदर यूं दिखा है भाई पूरा हौसला है जिस तरह, कुछ ना कुछ हौसला मिला, कुछ ना कुछ हौसला मिला उसको। चलो जी बहुत बढ़िया, काफ गोल्ड है जी ये देखिए,
और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ईगल फार्मा के कंपनी की ओर से ये आता है जी। बैड़ी होती है ना जो कम खाती है जी। एक ये जोटी देखो भाई, एक ये जोटी है, इसकी हाइट देखो भाई, ये तो हाइट लेने में उससे ज्यादा मेरे ख्याल से लगभग बराबर ही है। ठीक है, देखो ये फैसला देखो थनों का भाई, ये देखो जी फैसला देख लो थनों का जी। थोड़ा सा एक बार जोश है इसका बताओगे? दो दांत है। अच्छा, फिलहाल दो दांत है, दो दांत, ये भी दो दांत है। ठीक है, कद काठी वजन देखो भाई। ठीक है, और यूट्यूबर तो पे तो एक से एक जानकार हैं। दो दांत की मेरे हिसाब से पूरी लंबाई पूरी ऊंचाई भाई, दो दांत झोटी है, काफी बढ़िया है। ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की, दांत में देखना जरूर चाहूंगा, इसके दांत देखा भी गया अपा, और लंबी गर्दन की फेस से नहीं लग रहा दो दांत है। वैसे आप देख लेंगे भाई दो दांत है या कैसे, दो दांत दिखाऊंगा भाई, ये तो देखने की चीज है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल देखने की चीज है। थोड़ा सा जोश आ रहा था ना, इसका कारण क्या है? ये बच्चा मुंह लगा गया था, वो बच्चा नजदीक बांध दिया भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, बच्चा लगाया। हां, कई भाइयों का देंगे टाइम रोक रखा, यूं रोक रखा, टाइम कोई टाइम टाइम से चुवाई होगी। ठीक है, और जो भाई लेगा इतने पैसे लगाएगा वो चुवाई करके लेगा। कितना टाइम चुवाई कर सकता है? दो टाइम भाई, दो टाइम। दो टाइम शाम में खाली कर दे, सुबह अपना पता लग जाओ इसमें। बिल्कुल सही बात है, एक बार खोल के दिखाओगे? खोल के कितने दिन की ब्याई होगी? दांत दिखा रहा हूं इसका। ओ अरे ला, कितने दिन की ब्याई होगी भाई? यार 14 दिन की ब्याई है। प्रॉपर 14 दिन? 14 दिन की है, पूरी 14 दिन की है। मैले चल रही यू को? 25 दिन की है, 14 दिन की बतावा। ठीक है, मैले से नहीं चली भाई, मैले से अभी नहीं चली, मैले से चली नहीं है, चलने में ही है, चलने में ही है भाई। एक दिन में चल जाए, दो दिन में चल जाए भाई। ये तरीका अच्छा दांत दिखाने का, अपना थोड़ा सा हरिया चारा मुंह दे दो, बाकी इसने तरीका बेरा लग गया शायद। हां दिखा दिखा दिखा, बस रुक जा रुक जा रुक जा। आपकी गारंटी है जी? ना ना दिखावाएं, गारंटी कुछ नहीं भाई, दिखावांगे अपन, वो देखने की चीज है, दिखावांगे मेरे भाई। वो तो मान गया हम आपकी, लेकिन थोड़ा सा पशु शरारत कर, गारंटी 100% भाई। ले दिखा, ए दिखा दो जी, थोड़ी सी टेढ़ी कर ले। आ जा आगा भाई, मैं उधर आ जाता हूं। आ जा आ जा, देख भाई। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। कितने दांत है भाई देख? दो दांत है, दो दांत है। ठीक है, चार तो नहीं है? ना ना दो दांत है, तो झूठो यार। दो दांत है, दो दांत है। ये देखो जी दो दांत है, और कोई भाई आके भाई जोटी की कद काठी वजन के हिसाब से ठीक है, जोटी लगती नहीं भाई, दो दांत है। हाँ, क्योंकि फेस थोड़ा सा हैवी लगे है। ये समस्या हो दीपक भाई जी, यदि किसी आदमी को, किसी पशु को जी, या कोई जिस तरह पहलवान है जी, जैसे आप पहलवान हो भाई, मेरी उम्र को 25 तक काट पता कोई नहीं। उम्र उसकी ज्यादा ज्यादा अष्टपुष्ट ज्यादा अटकट आदमी होगा, उसकी उम्र ऑटोमेटिक ज्यादा लगे, ज्यादा लगे, ज्यादा खिला पिला दिया ना पशु की हाइट लंबाई ऊंचाई तो बड़े ही है, ये तो बिल्कुल बात भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, दूसरा है, बिल्कुल सही बात बताई। अर्डर क्वालिटी देखो भाई, पीछे तक काफी बढ़िया, एक बार पूछ हटाओगे जी? थोड़ी सी हटा दो, ये देखो भाई काफी साफ सुथरा अर्डर क्वालिटी है, पीछे तक लेके आगे तक। और जो थना का गैप है भाई, यो बहुत मुश्किल मिलेगा, ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा। यू लंबाई दीपक भाई पूरी है, यू चौड़ाई पूरी है, हाँ पुट्ठे की पूरी है, हाँ गर्दन की पूरी है जी। और चाहिए भी क्या पशु में? बस यही एक बार खोल के दिखा दो, बहुत अच्छी चोटी है, बिल्कुल नेचुरल सींग है जी, लंबी गर्दन की है, पीठ पुट्ठा बहुत साफ सुथरा है। अर्डर क्वालिटी की बात करा तो ये देखो जी, बस बस ये देखिए, उधर ले चलो, बस 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 ये देखो, काफी बढ़िया काम है जी। और सारे पशु रखते हैं उस साइड में ले जाऊं दीपक भाई? हाँ उधर ले चलो, ये देखो भाई, ये देखिए थोड़ा काफी बढ़िया। इधर वाला आप देखोगे ना तो परला तो बच्चे ने पी लिया था, लेकिन इधर वाला सेफ है यूं का यूं। ये देखिए अर्डर क्वालिटी चलते हुए भी काफी बढ़िया लग रही है जी। देख भाई अब गर्दन की लंबाई देख भाई, बिल्कुल लंबाई बहुत अच्छी है भाई, लंबाई झोटी ऊंचाई, ऊंचाई पीठ पुठे से अब कहीं कोई कमी नहीं लग रही। ये देखिए तो दूध इसका कितना तैयार है जी प्रॉपर भाई? 14 किलो दूध तैयार है, 14 किलो नेट तैयार है। हाँ 14 दिन की भाई, 14 किलो दूध तैयार है। ठीक है, इसकी भी दांत दिखा दो। बिल्कुल दिखाएंगे भाई, इसके एक बार रेट और बता दो रीजनेबल। एक भैंस और दिखा दे, रीजनेबल हाँ रेट बता दो। रीजनेबल तो मेरे भाई आजकल है ना, अच्छी चीज मिल जाओ खूब मिल जाओ, ऐसी बात नहीं नहीं मिलती। अच्छा, लेकिन पैसे बहुत बढ़ रहे। अच्छा, ये तो दीपक भाई आपको पता है, वो वीडियो बनाओ फील्ड में घूमो, फील्ड में देखो हो जी, अच्छा पशु लेके आओगे तो अच्छा कीमत लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिसकी लिमिट रख दी ना जी भाई, ये गाड़ी 70 पे दौड़ेगी, ये 80 पे दौड़ेगी, तो जिसने 2,50,000 की लेनी है उसने सारी 2,50,000 की दिखे भाई। हाँ यह सही बात, चक्कर ये पड़ रहा है, चक्कर ये जिसकी जेब अलो करती है, मैंने 2,50,000 की 30 की झोटी लेनी है। हाँ, और उसके जैसे मैंने 2,50,000 रुपए उसके मांगे हैं। हाँ, और 2,50,000 रुपए इसके भाई, तो ये एक 20-20 के लागेंगे। हाँ, तो जिसकी लिमिट यू है ना भाई, जिसने 35 की लेनी है तो उनको ना ज्यादा रेट मांग लिया 35, उसको ना तो उसकी लंबाई दिखे न ऊंचाई दिखे न थन का फैसला न क्वालिटी दिखे जी जी। उनको भाई ये तो है एक 35 की यार, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ज्यादा रेट मांगा है, लूटा है, ऐसी कोई बात को नहीं भाई। ठीक है, बिल्कुल सही बात, मैंने बेचनी है। ठीक है, वीडियो मनवाई है, बेचने के लिए वीडियो बनवाई है, अच्छा पशु दिखाने के लिए वीडियो बनाई, अच्छा पशु दिखाने के लिए। बिल्कुल, तो इसके भी 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए भाई। और ये अपने सोनाली जो चैन पर रखे हैं अपने, ये भी साथ में, ये भी साथ में जाओगे? अच्छा चलो, ये भी साथ में जाओगे, जो चीज है पूरी है ये नहीं दे देंगे भाई। अच्छा हाँ,
ठीक है, यू बेचेंगे पूरी यार, खुश करके बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, कितने टाइम चुवाई कर लो, लेकिन बहुत अच्छी जोटी है, लंबाई देखो कितनी प्यारी है। सोने की नहीं, पीतल की भाई, कहते कोई सोना कह के रहा गलती से, सोने की नहीं बनाएंगे भाई। चलो तो सारे भाइयों ने जोटी मेरी भाई जाओगी। ठीक बात है, बहुत अच्छी जोटी है जी, ये देखिए लंबाई में काफी अच्छी। तो इसकी चुवाई दिखा दें, पहले एक और भैंस दिखा देते हैं, तब तक इसका बच्चा छोड़ ले भाई, तब तक बच्चा छुड़वा दो जी। ये देखो नीचे कटड़ा इसका, हाँ ये कौन से बुल का पता, तीनों का नीचे कटड़ा भाई, कौन से बुल का? ये भी HLDB का है। अच्छा HLDB का, HLDB का भाई, ठीक है जी। और इस खुद जोटी का पता है? खुद जोटी का ये 10-26-99 की भाई। अच्छा हाँ, ये सारी HLDB की मेरे भाई, 10-26-99 की है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई, बुल अच्छा होना चाहिए, चाहे वो HLDB का हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पंचायती हो, बुल अच्छा होना चाहिए। यह देखो बहुत अच्छी तैयार कर रखी है, और तैयार करने का तरीका जोटियां होती है जी। ये देखो, ये देखो, एक चक्कर और लगवा दो जी, इधर ही ले आना, नशे देख लो, इधर ले आओ, उधर ले चलो। ये देखो जी, कौन से ब्यात में, ये वही है क्या आप कह रहे थे भाई? चौथा भी है, पास में भी हो सका है भाई। अब अच्छा, लेके आए हाँ, वो ग्राहक की मर्जी है। हाँ ग्राहक की मर्जी है भाई, ये तो, देखो इसके तो दांत नहीं दिखा सकते आप भाई, नशे देखो भाई, और बिल्कुल पक्का ऑर्डर, रोक लो यही, रोक लो एक बार, नशे दिखा दें शरीर की। ये देखो काफी बढ़िया नशे है भाई, और गैप देखो भाई, देख दीपक भाई काफी बढ़िया। इसके आप दांत तो चेक करवाने, 8 दांत है पूरे। आहो इसका तो फेस वैल्यू से पता चला, वो तो पता चला बिल्कुल भाई। ये चौथे की है, हाँ पांचवे की है, ठीक है। दूध 20 किलो दूध तैयार है भाई, 20 किलो 20 किलो दूध तैयार है। कितने टाइम चुवाई करा दोगे? दो टाइम चुवाई करा दोगे, 20 किलो नेट तैयार है दीपक। वैसे तो 4 टाइम कर लो, ठीक है, लेकिन दूध वाला ना पता चल जावे, दो टाइम खाली हो जावे तो सुबह दूध बता दे वैसे इतना दूध की है। ठीक बात है, ठीक है। ये 15 दिन की ब्याई है ये भी। अच्छा 15 दिन की ब्याई, 15 दिन की ब्याई है। मेले से चली? मेले से नहीं चली भाई। अच्छा मेले से चली नहीं है, मेले से थोड़ी थोड़ी चल रही है आज, ठीक है, मेले से शुरू हो रही है, अनुमान की चलो। अच्छा शुरू हो रही है आज, हाँ। ये देखो भाई मेले से शुरू हो रही है, 15 दिन की ब्याई है, और 20 किलो दूध नेट तैयार है जी। कोई भाई कितने टाइम चुवाई कर लो वाली कोई दिक्कत नहीं, 1% भी। ये देखो भारी पर कम काफी बढ़िया, जो भाइयों का अगर नहीं, हमने घर दूध पीने खातर जोटी चाहिए, तो उन खातर पूरी भैंस है जी आज की तरह। ये देखो बहुत अच्छा ऑर्डर क्वालिटी है, बिल्कुल टाइट ऑर्डर की जो भैंसे होती है। देख भाई कच्ची ब्याई है, बच्चे बताओगी वो जो भैंस बिनने की हो रही है। एक बात और बता दूं मैं दीपक भाई, बता दो जी नई बात, जो भैंस बिनने की हो रही है, अच्छा वो बच्चा ना लगभग भूल जावा है। अच्छा मतलब बच्चे का इतना एज नहीं करती, इतना एज कौन करे मेरे भाई, ठीक है। और जो कच्ची ब्याई है ना, हाँ वो बच्चा भाज के जाओगी, वो ज्यादा करेगी। ये भी नई बात सीखी भाई आज हमने, ये खास बात होती है दीपक भाई, जब क्योंकि पशु के अंदर भी मोह ममता हुआ है, ठीक है, अपने बच्चे के प्रति मोह ममता बहुत हो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो टूट के बच्चा पड़ेगी, बिल्कुल कच्ची ब्याई है तो, बिल्कुल बिल्कुल, जो बिन्ने की डेढ़ बिन्ने की दो बिन्ने की होगी, वो बच्चन फिर धीरे 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 वो बुलन लग जाओ, बुलन लग जाओगी। देखो भाई पीठ पुठा खूब अच्छा है जी जोटी का, ये देखो बढ़िया। चुवाई कैसी इसकी? चुवाई सारी चुवाई की नरम है बिल्कुल, यूं मान के चलो रोहतक पास बोलते है ना, हाँ सारे रोहतक पास, कोई कच्ची भैंस का कोई मतलब नहीं कभी भी, ठीक है जी, ठीक आज की बात नहीं, कभी भी दीपक भाई, कभी भी कोई थन की गठबद्ध, ठीक है, या कोई छर्रा, ठीक है, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं, हाँ ना कभी पास माथ नहीं मिलेगा भाई इसका, ठीक है, कोई समस्या नहीं, चार थन की प्योर मुर्रा पास, ठीक है, हाँ, ये वही अपने फार्म पर, ये अपना फार्म पर भाई। कटड़े की क्या डिटेल है, कौन से बुल का भाई? कटड़े का खून पता? अच्छा इसका नहीं, इस भैंस का भी नहीं पता किस बुल की है, क्या चीज, ठीक है ठीक है, चलो बतानी चाहिए ये सारी बातें बतानी चाहिए। देखो अगर लेके आओ मेरे भाई, सब सब इस बात का नहीं रखते ध्यान, ठीक है, ये तो जो जागरूक हैं जी वो ध्यान रखें इस बात का, बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई इसकी माँ कौन सी है, बाप कौन सा है, हाँ वो थोड़ा और जा, ठीक हाँ, हाँ। है ठीक है ठीक है, और भाई सारे पशु आपा बढ़िया रखा है, एक बार नजर मरवा दो बेशक जी जी, वो आपके तूफान बुल वाली करड़े स्पेशल वीडियो बनवाओगे उनकी, हाँ वो जोड़ा भाई भाई खूब अच्छी तैयार है। इसका एक बार रेट बताओ सबसे पहले, हाँ रेट 1,75,000 रुपये देनी, मान सम्मान पूरा करेंगे 1,75,000, हाँ। और इसकी माला? इसकी माला भी दे देंगे कोई बात नहीं, अच्छा इसकी दे देंगे, इसकी माला दे देंगे, ठीक है भाई माला दे देंगे भाई। 1,75,000 रुपये भाई, 20 किलो नेट, जो नेट दूध तैयार का आ रहे हैं केजी में, वो तैयार है,
15 दिन की गाय है, बिल्कुल शरीफ है, बिल्कुल से फिलहाल चेहरा ऐसा है जैसे है ना, ये बिल्कुल शरीफ, बिल्कुल जो शरीफ हो ना वैसे वैसे भाई गड़बड़ ताऊ, कोई पैरेट होने का कोई कोई मतलब नहीं। ठीक बात है, आ थोड़ा चेहरा भारी लगा जनु मारनी हो। हां मारनी है ऐसे थोड़ा उड़ा पहलवान नु निकाल दे खोटा पाओगा। हां ओए काम हो रहा है बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी जोटी है और 1,75,000 रुपए इसकी मांग है और सारी गाय भी बहुत अच्छी है। ये अपनी गौ माता भाई जी, ये अपनी गौ माता है, ये बस 10-15 दिन में बच्चा देगी। अच्छा 10-15 दिन, हाँ 10-15 दिन में, ये स्पेशल करके लेके आए हैं भाई, बहुत ही अच्छी बिक्री के लिए, बस सेवा के लिए भाई, सेवा के लिए। चलो इसको भी दिखाते हैं जी आगे, बिल्कुल शरीफ है बेचारी, जो असल गौ होती है ना, होलिस्टन भी है जी, देखो एचएफ की बच्ची आप खुद पालिए भाई, भाई दूध का काम हो चाहे ब्रीडिंग का काम हो, एचएफ नस्ल आपका बहुत साथ देगी। एक बार उसकी धार दिखा दें जी। हाँ दिखा देंगे बिल्कुल, ये देखो बहुत अच्छी तैयार हो रही है, ग्याबिन होली होगी ये तो, ये भाई 6 महीने की होगी। क्या बात है, और देखो थलाव दिखा दिया, बढ़िया है ये भैंस का बच्चे से मान के चलो लगभग 10-11 महीने पहले पहले काविंग कर दी, बाद में बच्चा दे हुए हैं, बाद में पैदा हुए हैं, ठीक है, और बच्चा पहले दे हुए हैं। ये देखो जी यहाँ पे कटड़ियाँ हैं, यहाँ पे एक और जोटी है, और ये भाई की जो ये बहुत ही बड़ी भैंस है, काफ़ी अच्छी दुधारू वो है जी, ये देखो काफ़ी बढ़िया पशुधन सारा का सारा। और एक बार चुवाई दिखा देते हैं आप लोगों को, काट लो उसकी धार बस। ये देखो जी, चलो जी ये भाई है संजय जी के राहुल, और ये चुवाई देखो, ये देखो बिल्कुल नरम चुवाई भाई, थाने भी बताओ। तो जी और क्या कहना चाहोगे, बस भाई सेवा कर रहे हैं बस, और सेवा कर रहे हो सारा परिवार, यो काम कर अपने, बस यही काम है, खेती बाड़ी है, ठीक है, करना चाहिए डेयरी फार्मिंग का है, करना चाहिए भाई, बढ़िया है, जिसकी कमान की खाना जिसने उसने करना चाहिए। और जो कमाई नहीं खाना वो कुछ भी करो, वो कुछ भी करो, सही अपना जमीन से जुड़ा मामला है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, जमीन से जुड़ा खेती है पशुपालन है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, हर चीज फार्म पे सेल परचेज का भी है, दूध का भी है, ब्रीडिंग का भी है, हर चीज, और मजा हो भाई इस फार्म पाते हुए भी और वीडियो शूट करते हुए भी। तो बताना जी वीडियो कैसी लगी, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम जी सारे भैया, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।